आज हम बनाएंगे मखाना चिक्की या मखाना की चटखन, जिसके लिए हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं जो ये हैं: 250 ग्राम मखाना, 800 ग्राम गुड़, 100 ग्राम घी। अब हम पहले मखाने को भून लेते हैं। गैस जला लेंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे, इसको मेल्ट होने देते हैं। हमारा घी पिघल गया है, अब इसमें मखाने डाल के भून लेंगे। कड़क होने तक हम इनको भूनेंगे, क्रंची हो जाएंगे ये। ये मखाने भुन चुके हैं, अब इनको हम ठंडा करके पीस लेंगे। मोटा मोटा ही रखेंगे, बारीक नहीं करेंगे। अब इनको हम निकाल लेते हैं। खाने हमने पीस लिए हैं, अब गुड़ को हम पिघलाते हैं। एक छोटी कटोरी पानी डालेंगे और ये गुड़ को हमने काट लिया है चाकू से बारीक। इसको लगातार चलाते हुए हम पिघला लेंगे। इसकी हम दो तार की, तीन तार की चाशनी बनाएंगे बबल आने तक के। ये अच्छे से घुल गया है, अब हम इसे दो तार की चाशनी बनने तक के हम इसको अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि ये कड़क ना होने लगे। पानी में डाल के हम इसको चेक कर लेंगे। हमारा गुड़ बहुत अच्छे से पक चुका है, अब हम इसको चेक कर लेंगे। ये पानी में डाल के हम चेक कर लेंगे। इसमें ये गले आ चुका है, ये चमक आ गई है, देखा में डाल के हमें। अब हम इसमें ये जो हमने मखाने भून के रखे हैं ये मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसमें एकदम से मिला लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। अब जल्दी से हम इसको एल्युमिनियम फॉइल हमने ग्रीस करके रखा हुआ है उस पर निकाल लेंगे। ये हम इस पर निकाल लेंगे। अब इसको हम फैला लेंगे, बारीक बारीक फैला लेंगे। हम इसमें निशान बना लेंगे। ऐसे ही हम निशान लगा लेंगे, इसके चकोर पीसेस बना लेंगे, क्योंकि मखाना चिक्की बनके तैयार है, जो खाने में बहुत ही लजीज लगती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। ये बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आती है। अभी हमें इसकी प्लेटिंग करेंगे, उसके बाद में हम दिखाएंगे। ये हमारी मखाना चिक्की बनके तैयार है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।